नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे एक बार फिर से चुनावी खबरों का, जहां मध्य प्रदेश में कल 230 सीटों पर वोटिंग होनी है। वोटिंग की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। चार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंदौर की 9 विधानसभा क्षेत्रों में 583 संवेदनशील मतदान केंद्र, जहां मतदाता सामग्री वितरित की जा रही है। देश के सबसे स्वच्छ शहर में मतदाताओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। नरसिंहपुर की भी ये तस्वीर आप देखिए। पहली बार M3 सीरीज की ईवीएम से चुनाव होने जा रहे हैं। ईवीएम क्विक, रिलायबल, सॉलिड और स्लिम है। बैलेट यूनिट भी बेहद खास है इस बार। इसके अलावा बहुत से फीचर्स नए दिए गए हैं। मंदसौर में भी वोटिंग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मतदान के लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। आगर मालवा का भी ये दृश्य, जिसमें वोटिंग की तैयारियां जारी दिखाई देती हैं। आपको बताया कि मतदान कर्मियों को मतदाता सामग्री दे दी गई है, इसके साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर नजर आते हैं। चलिए कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जो कि मतदाताओं और मतदान सामग्री से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल से, मतदान दलों को चुनाव सामग्री वितरित की गई है। दूसरी तस्वीर रतलाम की, मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर के 8 साइंस कॉलेज में मतदान दल रवाना हुए हैं। तीसरी तस्वीर में मतदान प्रक्रिया को लेकर महिला कर्मचारियों का जोश हाई दिखाई देता है। राजधानी के 110 पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी महिला कर्मचारियों पर ही है। और चौथी तस्वीर राजधानी भोपाल की ही, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक 400 वर्ग फुट की मतदाता जागरूकता रंगोली चर्चाओं का और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो तस्वीरों की भरमार, और एक बार फिर से चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले भोपाल में देखिए शांतिपूर्ण मतदान की पूरी तैयारी। बसों के जरिए मतदान दलों को रवाना किया गया है। ग्वालियर की भी ये तस्वीर, 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। 16,25,000 मतदाता हैं। जिले में चुनाव के लिए 10,000 से ज्यादा मतदान कर्मी जवानों की ड्यूटी, इसके साथ ही बीएसएफ की कंपनीज भी तैनात की गई हैं। नर्मदापुरम की तस्वीर भी देखिए, मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरित की गई, रवाना किया गया है। 4 विधानसभा सीटों होशंगाबाद, सुहागपुर, पिपरिया और सिवनी मालवा में 5,224 कर्मचारी मतदान संपन्न करवाएंगे। शाजापुर में भी वोटिंग की तैयारी पूरी, लगभग मतदान दलों को रवाना लगातार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की स्थिति आपने देखी। छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, जहां कल दूसरे चरण का मतदान है। शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मतदाता मतदान सामग्री के साथ अपने अपने क्षेत्र की ओर रवाना हो रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, सुरक्षा का जिम्मा उठाए हुए सुरक्षा बल। आपको लिए चलते हैं 4 अलग अलग जिलों में, जो कि आप देख भी रहे हैं। कोरबा, कोरिया मतदान दल रवाना होते हुए तैयारी पूरी। अंबिकापुर और गरियाबंद में भी इसी प्रकार से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आपको नजर आएंगे। और कुल मिलाकर अब मतदान का इंतजार है। और मध्य प्रदेश में चुनाव है। एक बार फिर से महिला कर्मचारी विराज नीमा चर्चाओं में आ गई हैं। विराज नीमा खरगोन में मतदान सामग्री लेने पहुंची थी, और इस दौरान अपनी गुलाबी साड़ी के चलते एक बार फिर से आकर्षण का केंद्र बन गई। आपको ये बताएं कि विराज नीमा पेशे से शिक्षिका है, और अब चूंकि इस प्रकार के लुक में पहुंची हैं, तो आकर्षण का केंद्र निश्चित तौर पर बनी हुई। चुनाव में ग्लैमर का तड़का अगर आप इसे कहें तो गलत नहीं होगा। लोकतंत्र का जो महापर्व है, उसमें हर कोई आहुति देना चाहता है। आज मतदान सामग्री के वितरण के दौरान महिला एक कर्मचारी हैं, वो पूरे ड्रेस कोड में पहुंची हैं, और ये जो सामग्री वितरण हुआ है उस दौरान पूरा आकर्षण का केंद्र रही है। हमारे साथ खुद महिला कर्मचारी मौजूद है। आप आज पूरे ड्रेस कोड में आई हैं, क्या सोच है इसके पीछे? बिल्कुल, जो त्यौहार मना रहे हैं और ये जो पर्व है, इस पर्व को लेके बड़ा उत्साह होना चाहिए महिलाओं में। जैसे दिवाली मनाई, दशहरा मनाए, इस पर हम बहुत सस्ते सवरते, लेकिन यह भी एक प्रकार से हमारा त्यौहार ही है, तो इस पर भी हमें एकदम ईमानदारी से कर्मठ होके काम करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, 100% वोट महिलाएँ भी करें, पुरुष भी करो, और अपने देश के हित के लिए मतदान करें, और अपने भविष्य को देखते हुए मतदान करें। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व, इस दौरान जो महिला कर्मचारी ड्रेस कोड में पहुंची, उनका सीधा और साफ कहना है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। जिस प्रकार हम त्यौहार मनाते हैं, इसी तरह इसको भी हम त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18, खरगोन।
और न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर भी हुआ है। इंदौर का जिक्र करेंगे। 8 महीने के बेटे को गोद में लेकर चुनाव ड्यूटी कर रहे एक शिक्षिका की ड्यूटी तत्काल कलेक्टर ने निरस्त कर दी। ड्यूटी कर रही शिक्षिका को कलेक्टर ने कहा कि आप घर जाएं, बच्चे का ख्याल रखें। पूरे मामले पर महिला टीचर ने न्यूज 18 का धन्यवाद भी दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी मिसाल कायम करता हुआ न्यूज 18 के सामाजिक सरोकार को भी ध्यान में रखना है। अगर मतदान की बात हो रही तो कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र जो कि इतनी मुश्किलों के बावजूद मतदान करवाने के लिए पहुंचते हैं मतदान कर्मी के रूप में। इन महिला को आप देख रहे हैं, तो अपने 8 महीने के बच्चे को लिए यहाँ पर ड्यूटी करने पहुंची थी। मैं खजराना संकुल से आई थी और मैंने कलेक्टर सर से बात की तो उनने इजीली मेरी ड्यूटी कैंसिल कर दी। कितने महीने का बच्चा आपके साथ? मेरा ये 8 महीने का बच्चा है। हाँ, उनने मेरी चेतन नगर में लगी थी सर। हाँ, कितने बजे सुबह आ गए थे? मैं सुबह यहाँ 7:30 बजे आ गई थी सर। हाँ हाँ, उन्होंने कर दी मेरी छुट्टी कैंसिल। सीहोर का जिक्र करेंगे। हॉट सीट बुधनी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्य नंद मिर्ची बाबा पर FIR दर्ज कराई गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सपा प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट करने के लिए साड़ियां बांट रहे थे। शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने मामले को लेकर संज्ञान में लिया, प्राथमिकी दर्ज करवाई है। ये तस्वीरें आप देखिए, मिर्ची बाबा जिन पर FIR दर्ज हो गई है, साड़ियां बांटते हुए सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा था। मिर्ची बाबा को वीडियो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनके द्वारा अभी जवाब नहीं दिया गया, उनके द्वारा जवाब दिया जाएगा। इसके बाद उसमें जो भी आगामी वैधानिक कार्रवाई आदर्श आचरण संहिता के आधार पर हो बनेगी, उसके हिसाब से आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। सर, उनको समय सीमा क्या कुछ दी गई है? समय सीमा उनको तत्काल कहा गया था, तत्काल पत्र प्राप्ति के तत्काल बाद अपना जवाब प्रस्तुत करें। उनके द्वारा जवाब अभी नहीं पेश किया गया है। आज पुनः एक नोटिस और उनको जारी किया जाएगा कि आपको नोटिस जारी किया गया था, आपने जवाब नहीं दिया, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसकी जवाबदारी आपकी होगी। और उसके बाद भी उनके द्वारा नोटिस। इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां थाने में कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए। TI के केबिन में 20 मिनट तक विवाद चलता रहा, दोनों पक्षों पर केस दर्ज हो चुका है। विधानसभा एक में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने थे। तस्वीरें आप देखिए, संजय शुक्ला भी पहुंच गए, समर्थकों सहित यहां पर हंगामा खड़ा किया, सुरक्षा कर्मियों को कमान संभालनी पड़ी। इतनी समझाइश देने के बावजूद 20 मिनट तक ये विवाद निरंतर कायम रहा। और अब चुनावी खर्च की चर्चा करेंगे। भोपाल से ये जानकारी है कि बीजेपी से कांग्रेस कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है चुनावी खर्च में। PC शर्मा ने सबसे ज्यादा खर्च किया इस बार चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने में। 24 लाख रुपए की राशि उनकी तरफ से खर्ची गई है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से आप बात करें विश्वास सारंग की और आलोक शर्मा की, जिनका नाम सामने आया है, उन्होंने सबसे कम खर्च किया है। 40 लाख रुपए चुनावी खर्च की सीमा तय होती है। विश्वास सारंग को लेकर तो यही जानकारी कि कम से कम 8 से 10 लाख तक का ये खर्च उनकी तरफ से हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आकर्षण का केंद्र बनते हैं यहाँ पर PC शर्मा। 24 लाख रुपए खर्च करने पड़े हैं पक्ष में माहौल बनाने के लिए। और मैयर से अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता की बाइक में आग लगा दी गई है। धू धू कर ये बाइक जलती दिखी है। पीड़ित अजय शर्मा ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की है। शराब बांटने पर मना करने पर आग लगाने का आरोप है। रामनगर वार्ड नंबर 5 देर रात विवाद हुआ, अमर पाटन विधानसभा का ये मामला। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, कांग्रेस नेता की बाइक में आग लगा दी गई। मतदान से पहले विवाद की एक और तस्वीर आप देखेंगे। मैयर से शराब बांटने से मना करने का आरोप और इसी के चलते उनके खिलाफ ये साजिश रची गई, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। ये हुई कि बाढ़ में मैं अपने घूम रहा था, दो लोग रहे हैं, बाइक में शराब लिए ने मैं पीछा उनका किया और जैसे ही मैं गाड़ी खड़ी किया है तो पेट्रोल का पाउच लिए रहे हैं मेरे ऊपर मारे, तो मैं वहां से उतर करके भाग दिया है और इसके बाद मेरी बाइक 10 कदम में जला दिए। कौन लोग थे, क्या पहचानते हैं? वार्ड प्रभारी है, वार्ड क्रमांक 5 का राजेंद्र पटेल
हैं, और राम सुशील का बेटा सुजीत। और इसके साथ साथ पाउच एक फेंका है प्लास्टिक का जिसमें पेट्रोल था, पूरे उसके चेहरे में गिरा कर चेहरे में लगा, और कपड़ों में भी अभी भी बदबू आ रही है। वो थाने के बाहर बैठा है, गवाह हैं, सबूत हैं, सब कुछ है उसके साथ, लेकिन वहाँ FIR दर्ज नहीं की जा रही है रामनगर में। पीड़ित के पास तक पुलिस पहुँच गई है और उसे सभी संबंधित तथ्य खंगाले जा रहे हैं। जैसे ही आगे जो तथ्य सामने आएंगे जांच के पश्चात उसमें तत्काल FIR की जाएगी। और अब आपको दिखाते हैं आग की दो तस्वीरें। पहली तस्वीर गुना की है, कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, आग की चपेट में आसपास की इमारतें भी आई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट हालांकि बताई जा रही है, लेकिन अभी भी आशंका के तौर पर ही है। दूसरी तस्वीर दमोह से आप देख रहे हैं, प्लास्टिक की फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। देर रात फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाना पड़ा, मौके पर पहुंची टीम ने जैसे तैसे मशक्कत के साथ इस आग पर काबू पाया। ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, गुना और दमोह। भीषण आग की लपटें कैद हुई हैं। दमोह में प्लास्टिक फैक्ट्री पूरी तरह से राख हो गई, जबकि गुना में कपड़े के दुकान में आग लगी थी, और धीरे धीरे कर अलग अलग मकानों को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। राहत भरी बात यही दोनों ही घटनाओं को लेकर कि जनहानि नहीं हुई। तो दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल दोनों ही जगहों पर, लेकिन अब चूंकि स्थिति नियंत्रण में आई है तो ये माना जा रहा है कि काफी नुकसान भी हुआ है आग से। जब देखा गया अंदर जाकर सभी सामान नष्ट हो चुका था। और अब दुर्ग से अगली खबर है, जहां एक कैदी फरार हो गया। दुर्ग जिला अस्पताल से कैदी फरार हुआ है, इलाज के लिए पुलिस की तरफ से जिला अस्पताल लाया गया था। दो नकाबपोशों ने कैदी को भगा दिया। आपको ये बताएं कि लूटपाट डकैती के मामले में सजा हुई थी। दो साथी आते हैं, इस व्यक्ति को अपने साथ लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। बिहार का रहने वाला कैदी था, फरार कैदी की तलाश अब की जा रही है। तस्वीर भी इस कैदी की आप देखिए, जिला अस्पताल से कैदी को भगाकर उसके साथी ले जाने में कामयाब रहे। लापरवाही के आरोप पुलिस पर लग रहे हैं, और उसी के चलते तेजी इस अभियान में कि जल्द से जल्द इसे ढूंढा जाए। कल मतदान भी है, और इस बीच आप देखते हैं कि आपराधिक घटना अगर होती है तो फिर कहीं ना कहीं कानून पर सवाल उठते हैं। तो दुर्ग से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, फरार कैदी की तलाश में पुलिस भी जुटी हुई है। अस्पताल में तबीयत खराब होने के चलते ले जाया गया, लेकिन जिला अस्पताल से दो नकाबपोश बदमाश इस व्यक्ति को भगा ले गए। सुनियोजित तरीके से फरार होने का यह सिलसिला आप कहेंगे। लूटपाट डकैती के मामले में सजा हुई थी, और अब ये व्यक्ति पुलिस गिरफ्त से बाहर। सही कि मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, अपडेट क्या कुछ है, क्या पता लग पाए कैदी कहाँ है अभी? देखिए, अभी पुलिस लगातार उसकी पता तलाश कर रही है, क्योंकि देर रात में ये पूरा मामला हुआ था। उसके बाद में पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस चारों ओर चली हुई है, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए। ये पूरा जो घटना हुई है वो दुर्ग जिला अस्पताल में घटित हुई है, जहां पर उस कैदी को लाया गया था, उसकी तबीयत खराब थी। उसी बीच में रात में दो नकाबपोश दुर्ग जिला अस्पताल में पहुंचे, और वहां पर उन्होंने जेल प्रहरियों को धारदार हथियार दिखाया, और वहां से उस कैदी को फरार करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस पूरी घटना के बाद में जब पुलिस को जानकारी मिली, तब पुलिस ने तत्काल एक्शन में आई है। वहां पर पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, देखा जा रहा है कि आखिरकार वजह क्या थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दुर्ग में जिस तरह से कल मतदान होना है, उसके ठीक एक दिन पहले रात में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय जरूर है। अभी पूरे मामले में जांच की जा रही है, और बस यही कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। जो आरोपी है, जो कैदी था, जो मुख्य है, वो अमलेश्वर में एक बड़ी बहुत चर्चित घटना हुई थी, जब एक ज्वेलरी की दुकान में संचालक को गोली मार दी गई थी, और उसके यहाँ से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। लाखों के सोने चांदी के गहने को लूटा गया था, जिसका मुख्य सरगना यही था अवधेश झा, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था उसके साथियों। तो ये अभी दुर्ग सर्किट जेल में, जो केंद्रीय जेल है, वहां पर निरुद्ध था। उसके बाद में कल रात में इसको लाया गया था, और उसके बाद में ये घटना हुई थी। चलिए, उम्मीद है कि जल्द पकड़ा जाएगा कैदी। बहुत शुक्रिया आपको मिथिलेश।
और अब कवर्धा से अगली बड़ी खबर, जहां चार्जिंग के दौरान स्कूटी में भीषण आग लग गई। 3 बाइक जलकर नष्ट हो चुकी हैं। घर के एक हिस्से में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मजगांव रोड का यह पूरा मामला, चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट की जानकारी और उसी के चलते आग लगना स्पष्ट हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, 3 बाइक जलकर राख हो चुकी है। अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज करते दौरान आग की खबरें। एक बार फिर से इसी प्रकार का मामला। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भैया ओकिनावा कंपनी का ना, चार्जिंग में चढ़ाए थे। हाँ। और बगल में 2 तो सोल्ड एक्टिवा था। हाँ। एक तो सरकारी गाड़ी थी। हाँ। तो मैं कार धो रहा था घर के बाहर। हाँ। फिर पता नहीं कैसे आग लग रहा है, बाहर आया ना, पता नहीं आग लग गया, पकड़ लेकर भयानक जगह। घर में छोटे बच्चे थे, मेरी वाइफ थी और छोटी बच्ची थी, पापा थे घर में, पूरे परिवार के लोग। उन लोगों भैया पीछे का गेट का ताला तोड़ के पीछे से निकलवाए हैं। कैसे बुझाए हैं उसमें आग को? तो पूरा सब मोहल्ले वाले मिल के पानी रेत छींच के, फिर बाद में फायर ब्रिगेड आया तो फायर ब्रिगेड वाले बुझाए। और रायगढ़ में वेतन कटौती का विरोध कर रहे 150 कर्मचारी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। आपको बताएं कि उद्योग प्रबंधन की मनमानी से परेशान होकर कर्मचारियों में आक्रोश है और कर्मचारियों का यह भी कहना है कि समस्या का समाधान नहीं होने पर चुनाव का बहिष्कार तक कर देंगे। हम लोग जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में काम करते हैं, ब्लास्ट फर्निस 1 में और ब्लास्ट फर्निस 2 में। क्या समस्या है सारे लोग आज यहाँ? हम लोग का पेमेंट आधा के बराबर हो गया है। पहले किसी को 21,000, 22,000, 23,000, 24,000 मिल रहा था, आज किसी को 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 ऐसा मिला हुआ है। इसीलिए हम लोग यहाँ मतलब इकट्ठा हुए हैं। क्या वजह है पेमेंट? वजह हुई है 8 घंटे, मतलब 12 घंटे जो ड्यूटी था उसको 8 घंटे कर दिया गया है और पेमेंट को आधा के बराबर कर दिया है। और जशपुर से आगे खबर है, जहां रिहायशी इलाके में हाथी पहुंच गया। बस्ती में घूमते हुए इस जंगली हाथी को देखा गया है। खेतों में लगी फसलों को रौंद डाला हाथी ने। दहशत में है यहां के ग्रामीण, काफी डरे हुए हैं क्योंकि अक्सर हाथी लोगों पर हमला कर देते हैं और इसी के चलते एक बड़ी चुनौती पैदा होती है। तपकरा वन परिक्षेत्र के अंकेरा का ये पूरा मामला है। दहशत में ग्रामीण, जिनसे ये लगातार अपील की जा रही है कि हाथियों से दूरी बनाए रखें। ये तस्वीरें सामने आई है जशपुर से। रिहायशी इलाके में हाथी पहुंच चुका है, नुकसान पहुंचाया फसलों को, घरों को क्षतिग्रस्त करा है और वन विभाग की तरफ से प्रयास के लगातार इसे जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश जारी रहे। ये तस्वीरें आप देखिए कुछ लोगों की भी, जो कि लापरवाही पूर्वक हाथी के पास जाने की भी कोशिश करते हैं, जो बहुत ज्यादा घातक होता है। जशपुर से ये जानकारी, बस्ती में घूमते हुए हाथी दिखा है, तस्वीरें आप भी देखिए। जब नुकसान पहुंचाता है तब अक्सर बहुत ज्यादा घातक स्थिति हो जाती है, रहने का संकट, अक्सर ग्रामीणों को रत जगा करना पड़ता है क्योंकि घरों पर नुकसान की आशंका तो होती है लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी डर कि कहीं लोगों पर ये हाथी हमला ना कर दे। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फॉरन डॉटिंग।